और आतंकी हमले से राजस्थान के लोग भी आहत हैं। जयपुर में आज मृतकों के परिजनों ने रोड जाम कर दी और उचित मुआवजे की मांग भी की। रियासी आतंकी हमले में जयपुर के चोमू इलाके से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जयपुर की सड़कों पर कोहराम मचा है। मृतकों के परिजन सरकार से उचित मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर रहे हैं। हालात को देखते हुए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंचे और आतंकी घटना पर दुख जताया। आतंकवादी का एक ही काम है, भय फैलाना, माहौल खराब करना, नुकसान करना, और ये गतिविधियां बंद हो गई थी। एकाध अभी छुटपुट घटना ये वापस हुई है, ये चिंता का विषय है, इस पर भी लगाम लगेगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। धरने पर बैठे लोग इस बात से नाराज हैं कि पार्थिव शरीर हवाई जहाज से लाने के बजाय ट्रेन से लाया गया, जिसमें समय बर्बाद हुआ। परिजन मुआवजे को लेकर लिखित आश्वासन की मांग करते नजर आए। उन्होंने अभी ये कहा कि 50 लाख रुपए गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, नौकरी देने के लिए तैयार है, लेकिन तैयार तो जब समझेंगे हम, हाथ में चेक आ जाएगा और नौकरी की लिखित में दे देंगे स्थायी नौकरी, तो हम धरना खत्म कर देंगे। धरना क्या, धरना तो मतलब ही नहीं था, हम खुद परेशान नहीं होना चाहते।